कार्ट्रिज किस तरीके से क्लीन करना है वो मैं बता रहा हूँ। एक हम लोग सबसे पहले लिंट क्लोथ ले लेते हैं और ये कार्ट्रिज के ऊपर इंक है, तो हम लोगों को क्या करना है, वन वे डायरेक्शन में ही कार्ट्रिज को क्लीन करना है। मुझे उसको बार बार रब नहीं करना है, मैं वन वे डायरेक्शन में ही उसको क्लीन करूँगा। ना तो मुझे ऊपर थीनर रिड्यूसर कुछ भी डाल के उसको क्लीन नहीं करना। देखिए इससे ज़्यादा करके क्लीन हो जाएगा। इनकेस कि नहीं, इंक जम गया है और क्लीन नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल स्पिरिट आती है जिसको हम लोग स्पिरिट भी बोलते हैं, राइट, उसका यूज़ कर सकते हैं। उसको भी किस तरीके से यूज़ करना है, एक क्लीन लेंथ क्लोथ लिया है, उसको कपड़े को गीला कर लिया एंड देन वही वन वे डायरेक्शन में ही उसको रब करना है। ना तो इसके ऊपर रख के, ना मुझे उसको इरेज नहीं करना है, राइट। एक बार ये हो गया, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कहीं पे इंक गिरा है या इंक लीक हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको भी सेम मेडिकल स्पिरिट से क्लीन कर सकते हो। बट याद रखना इसके ऊपर डालना नहीं है, राइट। मैंने कपड़े को गीला किया है देन उसके मैं क्लीन कर रहा हूँ। एंड ये भी अगर इंक हो तो करने की ज़रूरत है, अगर इंक नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इरेजर है, इरेजर को भी यूज़ कर सकते हो। इरेजर लिया, ये भी वन वे डायरेक्शन में ही होना चाहिए, आप इसको बार 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 रब नहीं करना है, मुझे वन वे डायरेक्शन ही पकड़ के रखना है, लाइक दिस, ओके। यहाँ पे भी अगर लग रहा है कि नहीं बहुत स्क्रैचेस है, तो इसको वन वे डायरेक्शन कोई भी पकड़ लीजिए और वहाँ पे आप क्लीन कीजिए। और एक बार होने के बाद आप इसको क्या करेंगे, कपड़े से साफ करके रख सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद ना तो मुझे ये कार्ट्रिज को शेक करना है, ना मुझे सॉल्वेंट यूज़ करना है, क्योंकि ये सॉल्वेंट बेस्ड कार्ट्रिज है। शेक करोगे तो नोजल्स एकदम छोटे होते हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं, तो मुझे शेक भी नहीं करना है और दूसरा कपड़ा भी यूज़ नहीं करना है। और जब आप लोगों का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको निकाल के इस डायरेक्शन में रख देना, इससे आपके कार्ट्रिज सेफ रहेगा।